हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या फिर डिजेनरेसी हम कैसे निकालते हैं अगर हमें टर्म सिंबल गिवन हो या फिर अगर हमें डायरेक्टली कॉन्फिगरेशन भी गिवन है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ एग्जांपल्स कुछ लिखे हैं कि आपको सपोज करो पेपर में आ जाता है और स्पेसिफिकली नेट और गेट में ये क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और डिजेनरेसी निकालने वाले या फिर इन चीजों से रिलेटेड जो आगे भी कंसेप्ट्स बनते हैं उन पे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर हर साल नहीं आते फिर भी ऑल्टरनेट ईयर्स पे रिपीट होता रहता है क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा रहता है क्वेश्चन और बहुत इजी भी है चैप्टर। मतलब ये वाला जो पोर्शन है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बहुत इजी भी है टॉपिक। तो क्या करना है इस वीडियो के बाद, मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाले हैं सारे के नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाल लेंगे। तो भी देखते हैं कि सबसे पहले बात आती है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, मतलब माइक्रोस्टेट से मतलब क्या होता है। तो माइक्रोस्टेट्स का मतलब है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे ना कोई कॉन्फिगरेशन लिखो, मैंने सपोज P2 लिखा यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास P में, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ और क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको इस तरह से लिख दू या फिर इस तरह से, मतलब बहुत सारे तरीके से मैं लिख सकती हूँ इसको। तो जितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल होती है एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब बना बना के देखें, तो इसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला जिससे हम बहुत इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। जैसे जो फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू, इसी को अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ना पूछ के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ डिजेनरेसीज। जो भी आपको ये टर्म गिवन है इसमें नंबर ऑफ डिजेनरेसी कितनी होगी वो भी पूछा जा सकता है, या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होगी वो भी पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये एन और आर क्या है, जैसे सपोज करो मैंने आपको एग्जाम्पल P2 से स्टार्ट किया, तो हम पहले उसी का निकालते हैं। P2 के केस में यहाँ पे n क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आ सकते हैं यहाँ पे p ऑर्बिटल में। आपको जिस भी ऑर्बिटल की बात हो रही है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर s ऑर्बिटल की बात है तो s में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही d में कितने आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं d के तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होता है। ऐसे f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो ये n है जिस भी ऑर्बिटल की बात होगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे n की वैल्यू, और ये r क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है। तो अगर हमें P2 के लिए निकालनी है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स तो हम कैसे निकालेंगे, n मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन p ऑर्बिटल। तो p में कितने हो सकते हैं 6, तो 6 का फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है, 2 गिवन है हमारे पास तो लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, n क्या है वापस से 6 और r क्या है 2, तो ये हो गया। अब क्या है हमारे पास, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इस तरह से है। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या लिखूंगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहां से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है 4 फैक्टोरियल से, 2 वन जा 2 टू थ्री जा 6, तो हमारे पास कितनी वाली होगी, 15। तो जो P2 है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो हमें गिवन है इसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, 15 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है। जैसे मैं आपको बना के दिखाई थी इस तरह से, तो अगर आप ड्रॉ करना शुरू करो एक एक करके तो आप ऐसे 15 पॉसिबिलिटीज आप दिखा सकते हो इनके लिए। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, उनको इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये मेथड होता है निकालने का नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब जितने मैंने आपको सिखाया है इसी से ही आप सिर्फ आप ये तीनों निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेट से P1D1 से स्टार्ट करते हैं। P1D1, P मतलब P ऑर्बिटल यहां पर गिवन है और यहां पर क्या है, D ऑर्बिटल। D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर हम P की बात करें, P सबशेल की बात करें तो 3 ऑर्बिटल, और D की बात करें तो 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, यहां पर कितना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले P के लिए लगाते हैं वही फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। दोनों के लिए हमें सेम ही फॉर्मूला लगाना है, तो पहले P के लिए लगाते हैं, P में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, i कितने हुए हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या होता है, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू
5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास कितनी वैल्यू आई 6। ये सिर्फ किसके लिए है, P1 के लिए। और आप क्या करोगे, पहले P1 का निकालोगे फिर D1 का निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे कोई भी बीच में साइन नहीं आ रहा तो क्या करोगे, कैलकुलेशन के टाइम पे आप बीच में मल्टीप्लाई लगाओगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है पी के लिए इंटू वापस से एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये किसके लिए है इस बार D1 के लिए। तो कैसे होगा, अभी बीच में इंटू रखते हैं, एन क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आ पाए, तो इसमें कितने आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिखा 10 फैक्टोरियल। आई कितने हैं, सिर्फ एक ही, और ये है 10-1 फैक्टोरियल। आप इसको सोल्व करोगे मल्टीप्लाई में चले गएंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10-1 9 फैक्टोरियल, फिर 10 को सोल्व करके 10 × 9 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो जाएगा नीचे 9 फैक्टोरियल से, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10। तो आपको क्या करना है, 6 × 10 मतलब 60। तो इस वाली टर्म के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रिप्स कितनी है 60। अगर आपको ऐसी कॉन्फिगरेशन गिवन है तो आप उसके 60 अरेंजमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला लगा के हमें निकालना होता है। अब आप बाकी तो इजी है, जो दोनों एग्जांपल्स है आप इजीली कर लोगे, मैं फटाफट करा दूं कैसे करना है। जैसे P1 है, इस बार हम फिर से वही करेंगे, पी सबसे ड्रो करते हैं ऑर्बिटल्स 3, यहाँ पर भी पी के लिए हमने 3 ड्रो कर दिए, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, आई कितने हैं 1, और ये हो जाएगा 6-1 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पर भी मैक्सिमम आ सकते हैं पी में 6, आया हुआ है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, निकलेगा 6-1 फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 6-1 5 फैक्टोरियल, कैंसिल में कितना बचा 6, और साथ में ये भी 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 6, तो 6 × 6 36। तो यहाँ पर कितना है, इसलिए नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स 36। ऐसे ही आप निकालोगे S1 P1 के लिए, S1 P1, S सिर्फ एक ही होता है, S सबसे में एक ही ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, बट यहाँ पे आया सिर्फ एक ही हुआ है। P में आ सकते हैं मैक्सिमम 6, बट 1 आया है, तो हम कैसे करेंगे, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, आया है 1, 2-1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 1 इलेक्ट्रॉन है, 6-1 5 फैक्टोरियल, तो भी कितना आ जाएगा 2 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, तो कितना बचेगा 6 × 2 12। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 12, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 12। तो अगर ऐसे आपको कॉन्फिगरेशन गिवन होती है तो आप इस तरह से निकालते हो, लेकिन अगर इस तरह से आपको एटॉमिक टर्म गिवन हो तो टर्म्स के केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं। देखो एक ना फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक ये होता है 2s + 1 lj, जो ये फॉर्मूला है ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला होता है, टर्म सिंबल, ये टर्म सिंबल का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहां से j को हटा दूं, 2s+, अगर ये रखूं 2s+1 और यहां पर रखूं l, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है टर्म। तो अगर आपको टर्म गिवन हो, जैसे कि वो तीनों एग्जांपल्स में टर्म गिवन है, ये क्वेश्चन CSIR नेट में आया है पहले, तो अगर ऐसे टर्म गिवन हो तो आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, इसके लिए फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, 2s+1 × 2l+1, ठीक है, आपको बस ये लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 3D की, ये है, तो यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 3, 2s+1 कितना गिवन है 3, तो ये तो हमें डायरेक्टली रखना ही है, यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू 3। अब डी है, डी क्या है, एल की वैल्यू, तो अब एल की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये आपने पढ़ा भी होगा अपनी जूनियर क्लासेस में, अगर एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होती है, तो ये कहां से स्टार्टिंग होती है, S P D F G H, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पे डी गिवन है तो मतलब एल की वैल्यू कितनी होगी, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में रखू यहाँ पर, तो 2s+1 की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, और एल की वैल्यू कितनी है, हमें डी गिवन है, और डी के लिए हमें पता है कि एल की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 × 2 + 1, तो ये कितना हो गया 3 × 2 × 2 = 4 + 1 = 5, तो 5 × 3 = 15। तो इस तरह से हम निकालते हैं अगर हमें टर्म गिवन हो तो,
उसके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या फिर नंबर ऑफ डीजनरेसी, कई बार डीजनरेसी भी पूछ लेते हैं, तो डीजनरेसी आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अब बाकी दोनों एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमें गिवन है 1G, इसके लिए हमें निकालना है डीजनरेसी कितनी होंगी। आपको ऑप्शन में मिलेगा 4, 5, 6, 7, जैसे भी जितने भी नंबर हो कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे। इसके लिए क्या करोगे, हमें पता है फॉर्मूला है 2s+1 × 12+1, और अगर ये टर्म गिवन है तो टर्म इस तरह से होती है 2s+1 / L। तो यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू तो डायरेक्टली हमें 1 गिवन है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2s+1 की जगह पे 1, बीच में मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, बस L की वैल्यू निकालनी होती है, और हमें क्या गिवन है, G गिवन है, क्या होती है L की वैल्यू। तो आप देखो यहाँ पे SPDFG, G की वैल्यू, L के लिए क्या होगी 4s, ठीक है। तो यहां से हमारी निकल गई क्या, 2 × 4+1 कितना हो जाएगा, ये 4 × 8+1 9 आपको हो जाएगा आंसर। अगर आपसे डीजनरेसी पूछे या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स तो आंसर वुड बी 9। ऐसे ही अगर हमें निकाली है 1s के लिए, तो आप समझ गए होंगे क्या है 2s+1 की वैल्यू, फॉर्मूला सेम रहेगा 2s+1 × 12+1। तो 2s+1 की वैल्यू हो जाएगी 1 × 12+1। L की वैल्यू निकालते हैं, S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 × 0+1 × 0 हो गया, तो आंसर कितना आया 1, ठीक है। और ये बात सही भी है क्योंकि S के लिए हम सिर्फ 3 तो लिख सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑर्बिटल ही नहीं है उसको आगे मतलब डिटेल से दिखाने के लिए। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन दो तरीके से पूछी जा सकती है, तो आपको टर्म गिवन होगी या फिर ऐसे कॉन्फिगरेशन गिवन होगी, तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हम किस तरह से निकालते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।